नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए रुख करते हैं देश विदेश से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले की नक्सल प्रभावित क्षेत्र ब्लॉक नगवा ग्राम पंचायत दरीब गांव देवहार की प्राथमिक विद्यालय पर लटक रहा ताला, जब ग्लोबल इंडिया टीवी के संवाददाता द्वारा प्रताड़ना किया गया तो एक अध्यापक हुए उपस्थित, जिन्होंने अपना नाम दीपन रायन बताया, लेकिन बड़ी लापरवाही, समय पर विद्यालय नहीं पहुंचे। विद्यालय के टाइम 7:30 बजे का है, लेकिन अध्यापक पहुंच रहे 8:30 बजे। प्राथमिक विद्यालय देवहार में कुल 36 बच्चों का नाम दर्ज है, जिसमें सिर्फ 5 बच्चे गेट पर मिले, वह भी बगैर ड्रेस के। विद्यालय की हालत कबाड़ खाने जैसा, शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही मानी जाएगी। खाना आज भी सिलेंडर पर नहीं, चूल्हे पे बनाया जाता है। एक अध्यापक को बच्चों को पढ़ाने के बजाय चूना पोतने वाले को ला रहे हैं अपनी कमियां छुपाने के लिए, लेकिन विद्यालयों में यही हालत देखना यह होगा कि ऐसे अध्यापकों पर क्या कार्रवाई उच्च अधिकारियों द्वारा की जाती है। खंड शिक्षा विभाग अधिकारी से सेलफोन पर बात करने की कोशिश की गई तो उनका फोन स्विच ऑफ था। कमियों को छुपाने का यही एक बेहतरीन तरीका है। सोनभद्र से ब्यूरो चीफ कन्हैया लाल की रिपोर्ट। दीप नारायण, आपके इस विद्यालय क्या नाम है? प्राथमिक विद्यालय देवहार। यहाँ पे खाना किस चीज पे बनता है? चूल्हे पर। क्यों, व्यवस्था गैस की नहीं दी गई है? अभी पहले नहीं थे, प्रभारी जो थे अभी किए नहीं थे अभी, और या तो बहुत पहले रही, चोरी हो गई, हमारे समय में तो नहीं। और विद्यालय की टाइमिंग कितने बजे का है? 7:30। 7:30। आप कितने बजे आए हैं? 8:15 हो रहा है। 8:23 पर आए हैं, 28 हो रहा है इसमें। तो ये लापरवाही मानी जाएगी? नहीं मानी। वही लेबर लेके आना था, बता रहे हैं कि पोतने के लिए यहाँ लेबर नहीं मिल रहे, तो हम लेबर लेने उनके घर गए, उनको लेकर के तुम्हारे में लेट हो गया आराम से। इसकी सूचना ये बेस्य को दे चुके हैं? जी नहीं। कि हम इतने लेट हो जाएंगे लेबर लेने गए हैं? नहीं, सूचना नहीं दिया, पोताई काम चल रहा है तो अब लेके आने में उनको लेट हो गया। सफाई कर्मी कभी नहीं आते? कभी कभार आती है, एक बार हम बस देखे हैं। यहाँ के प्रधान कौन है? देवानंद जी। ये लापरवाही माना जाए नहीं माना जाए? शिक्षा विभाग में बच्चे भी बहुत कम है, ड्रेस भी नहीं है, अब 2 वर्षों से यहाँ कार्यरत है। तो ये प्रभारी के काम, अभी तक प्रभारी कोई और है जी, अब जब वो है नहीं तभी चार्ज भी नहीं लिए हैं। वो चार्ज नहीं, नहीं, नहीं। बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं विद्यालय में पढ़ने के लिए? इस समय 10-12-15 बच्चे आ पाते हैं। इस समय ये जो लौंगी जो काम चल रहा है, लोग गाँव में 2 बार जाएंगे तो 10-15-20 बच्चे ले आएंगे बटोर करके। प्रेयर कब होगा? अब हम प्रेयर कराएंगे 8:30। सर, अब लेबर लेके आने में लेट हो गया तो थोड़ा सा तो